आज सुबह सुबह जा रहे हैं, गाड़ी बुक किए हैं जूम कार से, तो क्या प्रोसेस होता है? वो फर्स्ट टाइम है हम लोग का भी, तो विशाल भाई बोला ब्लॉग बनाते हैं, इससे मजा आएगा। तो हम बोले ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार लेने के लिए जूम कार से, मतलब जो बुक किए थे। ऐसा सिस्टम है कि बिना हेलमेट का 1000 रुपया फाइन है, इसलिए आप लोग देखे होंगे कि हम लोग हर जगह हेलमेट पहनते हैं। ऐसे जब भी 10 किलोमीटर जैसा होता है या 7 किलोमीटर जैसा होता है, जहाँ मेन रोड हो, बहुत ज़्यादा पहाड़ वहाड़ हो, तो हम लोग फुल सेफ्टी वाला हेलमेट पहनते हैं। लेकिन अभी छोटा सा था, 2-3 किलोमीटर का, तो विशाल मेरे को ये उसका गाड़ी में रखता था, तो मेरे को ये पहना दिया है। ये बुलेट वाला हेलमेट है, बुलेट प्रूफ है। कोई मेरे को गोली मारेगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ट्रैफिक में रुके हुए हैं, सारी मोड़ वाला ट्रैफिक है। गर्मी काफी ज्यादा हो रहा है और आज अलविदा जुमा भी है। ज्यादा फॉर्म में जब स्कूल बस वाला रहता है तो यही होता है, इसलिए 5 मिनट पहले स्कूल के लिए निकलना चाहिए। इतना हेवी टर्न मारा है, इसलिए टर्न नहीं हुआ है। I-20 पेट्रोल पंप से आ रहा है। हाँ हाँ, तो पेट्रोल पंप से, मतलब ऐसा है कि पूरा पेट्रोल फुल करके देगा और शायद विशाल को भी पेट्रोल फुल करके लौटाना है, ऐसा ही कुछ होगा, पता नहीं मेरे को। आता है तो पूछते हैं क्या है नहीं है, अभी जा रहा है, फ्यूल पूरा फ्यूल है इसमें, लेकिन थोड़ा सा काम है तो पूरा फ्यूल अप करने के लिए। अच्छा, और यहाँ पे कितना खूबसूरत सा, यहाँ पे अलग ही तरह का पेड़ है, मतलब पूरा प्लानिंग से लगाया हुआ है पूरा रोड पे ही। बहुत ही हेवी एपिक। अभी फिलहाल फोटो खींच रहे हैं अंकल जिनका कार है, विशाल भाई पता नहीं क्या सोच रहा है। और यहाँ पे तो ट्रैफिक और गर्मी काफी ज्यादा। रेंट कर चुके हैं जूम कार से I-20। कितना पड़ा भाई विशाल? कितना रुपया पड़ा? 1200 रुपया पड़ा इसका, और पूरा एक दिन का ना, सुबह 10 से 9 बजे तक वो पेट्रोल फुल करके दिया है और लौटाना भी पेट्रोल फुल करके। गाड़ी काफी ज्यादा अच्छा है, गाड़ी मस्त है, सीट बेल्ट लगा हुआ है भाई, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, हेलमेट हो तो हेलमेट पहनते हैं और सीट बेल्ट हो तो सीट बेल्ट पहनते हैं। अभी फिलहाल विशाल भाई थोड़ा गाना वाना बजाए, थोड़ा एंजॉय करते चलते हैं। इसका स्टीयरिंग मस्त है ना? इससे पहले कौन सा कार था? इससे पहले हम बहुत चलते, लेकिन ये नया है ना एकदम। अच्छा, और मर्सिडीज मिलेगा इसमें? मर्सिडीज नहीं है अभी। BMW? ऑडी नहीं है। तब क्या फायदा, ये सब गाड़ी हम चलाएंगे तेरे लगता? कम से कम नहीं भी तो सेकंड हैंड BMW हम चलाएंगे, नया ना हो तो भी चलेगा। वाला लोग मेरा ये दिल का तमन्ना नहीं समझता, हम सब गाड़ी थोड़ी चलाएंगे, I-20 स्विफ्ट बलेनो ओलेनो, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। तो पैसा वाला आदमी है तो गियर लेके घसेगा, 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिक चलाना पड़ेगा, DPN। लेकिन वो गाड़ी छोटा है ना? कौन सा गाड़ी छोटा, स्विफ्ट छोटा है तो और नहीं तो क्या? बड़ा वाला कितना भी हो, मर्सिडीज जितना बड़ा होगा तो फिर अपना स्विफ्ट लीजिए, अपने पास रखिए, मेरा मर्सिडीज से झगड़ा मत कीजिए। आर्मरेस्ट भी मिल रहा है क्या? आर्मरेस्ट तो मस्त है, दोनों आदमी हाथ रख सकता है। बिना आर्मरेस्ट का गाड़ी चलाने में मजा थोड़ी है। तो बात है, वो क्या कहे, हम लोग नवाब के चोते हैं। हम नहीं बोले, विशाल बोलेगा, इस बार विशाल सारा कंट्रोवर्सी लेगा अपने का। हम तो शरीफ लड़का, हम गाली तो हम देते ही नहीं है भाई, इसीलिए हम तेरे को बोला कि ये सब गाड़ी का जो होता है बंद करने से जोर से धाप करके आवाज करना पड़ता है। मेरा तू मर्सिडीज में बैठेगा ना, तुझे तू खाली देगा, ऐसे करेगा ना तू,
देख तू खाली मेरा मर्सिडीज में खाली ऐसे करेगा ना ऑटोमेटिक बंद होगा, ये सब गाड़ी बंद ही नहीं होता है। एसी बंद कर देता है, एसी बंद कर, हाँ एसी बंद कर दे उसमें तो चला सकता है, पेट्रोल तो डालना है नहीं। देखिए उठने के लिए पूरा मतलब प्रेस करके रखना पड़ रहा है, लेकिन डाउन करने के लिए खाली वन टच में पूरा डाउन हो जा रहा है। क्या विशाल भाई ये तो जादू, तू ये क्यों चलाया हुआ रे? ओ ये वाला सिस्टम है, ऐसे वाला लाइटर को चले धसार दो, पूरा मतलब अनबॉक्सिंग कर रहे हम लोग i20 का, इसलिए भाड़ा पे लेकर हम तो सोच रहे थे गाड़ी को एक्सपेरिमेंट करते हैं नया नया उड़ा उड़ा करके दो चार ड्रिफ्ट व्रिफ्ट मारते हैं। अरे चला पुलिस को देख के डर लगता है मेरे को। तुम बुझोनी हम बोलनी तुम स्वप्नते केन आसोनी हमर अभिमान तो के लिए सब देसी। इंडिकेटर मार रहा है भरवा लो, कोई रुकता ही नहीं, हाथ दिखा दो। वहां चल ले मार, टर्न मार, टर्न मार, टर्न मार ना। अरे छोड़ दे गाड़ी है साला, उन लोगों को छोड़ दे गांडू लोग को, गाड़ी है तू जो बोल रहा है टर्न मान दे। आजा चल अभी हम घर आए हैं और मेरे को अभी जाना है कुर्ता लेने के लिए, आज अलविदा जुमा है तो उसके लिए और ईद के लिए जो कुर्ता है तो चलते हैं। अभी हम सोचे रेस्ट करेंगे, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं था कि कुर्ता अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो अभी जा करके लाते हैं कुर्ता को। बूम। सो गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पे अंधेरा में हेवी वाला लोकेशन पे, दुकान में कोई नहीं है तो अभी वेट करना पड़ेगा। चचा कहीं गए होंगे? चचा ऊपर पे भी है लेकिन पता नहीं कहाँ है, इंतजार करते हैं चचा आते हैं उसको लेते हैं उसको चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। सभी अभी हम आ चुके हैं वहाँ से, आ करके नहा धो करके जुमा के लिए रेडी है, और मतलब कि मेरा मन था सफ़ेद वाला पहनने का क्योंकि हम सफ़ेद और काला दोनों सिलवाए थे, सफ़ेद वाला पूरा सफ़ेद ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें कॉलर था तो मेरे को वो पहनने का मन था, लेकिन उस पर दाग लग गया था जिसके कारण मेरे को आज काला पहनना पड़ा। अरे ठीक है सफ़ेद वाला ईद का दिन पहनेंगे, मतलब चेंज हो गया, ईद को ये ईद में ये पहनना था सफ़ेद वाला आज पहनना था, लेकिन सफ़ेद वाला ईद में पहनेंगे और जो ईद में पहनना था वो आज पहने। तो अभी हम फिलहाल दिखाते हैं आप लोगों को, कुछ इस टाइप का लग रहा है, दिखा रहे अम्मी पकड़िए तो इधर कैमरा, ऐसा कुछ है इस टाइप का, सफ़ेद वाला और भी अच्छा लगता ना। अभी फिलहाल इससे काम चलाते हैं, वहाँ में आधा घंटा का समय और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा क्योंकि अलविदा जुमा है, जो लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं आज वो लोग भी आएंगे, तो अभी चलते हैं ज़्यादा लेट करके फ़ायदा नहीं है, तो मिलते हैं आप लोगों को नमाज के बाद। नमाज पढ़ के आ चुके हैं और हम लोग का मस्जिद में वीडियोज़ वीडियोज़ करना कुछ अलाउड नहीं है, ऐसा सिर्फ एक ही मस्जिद है हम लोग का, और बाकी का नमाज वमाज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आज, बहुत कोई देखने को मिला, मतलब कि बहुत पुराना पुराना दोस्त लोग जो लोग काम धंधा में अभी टाइम नहीं मिल पाता है, वो लोग अभी जस्ट आए हैं और हल्का हल्का मेरे को नींद लग रहा है, तो अभी हम जाते हैं सोने के लिए, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। Few moments later. अभी हम सो करके उठे हैं और अभी गुलाब भाई का कॉल आया है, उसके यहाँ चलना है इफ्तार के लिए, तो चलते हैं और देखते हैं। मुँह खोल तू, मैडम बहुत मजा ले रहा था। मुँह खोल सर, उधर आगे कुछ का बैठ जाएंगे, उस साइड बैठ, सर तुम्हें सेंड कर देंगे अपना पानी। ये लड़का मेरा ले रहा हूं तेरा को, तो हम हेवी तरह का मजाक उड़ाएगा तू। हां गुलाब, गुलाब तुम्हें मालूम है बिहार का सब्सक्राइबर है, वो क्या बोल रहे चांदनी खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। मिक्स कर भाई, हो गया भाई, हो गया भाई, हट इसको, स्पेशल इसको फ्रेम दे इधर आ। अब तू बोल क्या बोलना चाहेगा तू? अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अब बहुत अच्छा लग रहा है खा के, अब तारीफ करिए। अभी हम लोग आए हुए हैं गुलाब भाई के यहाँ इफ्तार के लिए, अभी हो चुका है और इसका जो हम मजा लिए है ना वो
वो लोग कैसे लगा पाते हैं, मेरा शुरू में बहुत मजा ले रहा था, मतलब मेरे पास एक हेवी वाला आइडिया आया एडिटिंग के समय में। इसका हालत एक करेंगे, अभी अंधेरा होने वाला है। 3 hours later आज पूरा दिन मतलब शाम खाते पीते गुजरा है और गुजरेगा बिरयानी, इसको फटाफट खिलाइया मैं जल्दी से। बिरयानी का नाम से तो मेरा बदन में एकदम करंट दौड़ उठा, पूरा थका हारा पूरा एकदम रिफ्रेश हो गया, हमको पता ही नहीं है कि बिरयानी बना है अभी। होय 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 बिरयानी गोश्त, होय 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 मजेदार। इस वाले वीडियो को बस यही तक रखते हैं, नया तो लाइक कीजिएगा, लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। खत्म। मजेदार। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।